बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सबकी फेवरेट डिश और दावतों में ख़ास बनने वाली डिश नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। और मैं आज आपको इस वीडियो में अपने तमाम सीक्रेट टिप्स एंड डिटेल्स दूँगी कि हम किस तरह बग़ैर टूटे बग़ैर फटे बेहतरीन तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिलीशियस नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नरगिसी कोफ्ते सीखने हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बीफ की बोटियां ली हैं। ये बिल्कुल रूखा गोश्त है बग़ैर चिकनाई का। मैं पहले भी कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं बोटियों के कोफ्ते बनाती हूँ। मैंने आपको बताया था अगर आप कीमे के बना रही हैं तो उसे अच्छी तरह से वॉश कर 2 से 3 घंटे के लिए स्ट्रेनर में रख दें ताकि उसका पानी बिल्कुल निकल जाए, बिल्कुल उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और फिर हाथ से बिल्कुल प्रेस कर उसका पानी निकालना है। बस ये 2 बातें याद रखें जिससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एक तो गोश्त बिल्कुल रूखा होना चाहिए, उसमें 5-10% तक चिकनाई होनी चाहिए, और एक इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करें कि गोश्त या कीमा जो आप ले रहे हैं बिल्कुल बग़ैर पानी के हो, बिल्कुल ड्राई हो। किचन टॉवल से भी आप उसे प्रेस करके उसका पानी अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। अब मैं इन बोटियों को बिल्कुल बारीक चॉपर में पीस कर कीमा बना लूँगी। तीसरी टिप ये है कि बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बाज़ार से पिसवा रहे हैं तो 2-3 दफ़ा मशीन में निकलवा लें, मैं घर में चॉपर में पीसूंगी। ये कुछ मसाले हैं जिसे हम बिल्कुल फ़ाइन कट करेंगे, चाहे चॉपराइज कर लें। इसमें हरा धनिया है, 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, एक स्मॉल साइज़ की अनियन है, 4 हरी मिर्चें हैं। ये कुछ ड्राई मसाले पीसेंगे जो कोफ्तों के ख़ास मसाले होते हैं। मैंने 1/4 कप भुने हुए चने लिए, इनका छिलका उतार दिया है। 2 टेबल स्पून खसखस, जिसे पोपी सीड्स कहते हैं, उसको अच्छी तरह से धोकर, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन में स्पून हिलाते हुए, जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ चुकी है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और 2 टेबल स्पून ही हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, यानी पिसा हुआ खोपरा लेंगे। इन तमाम मसालों को पाउडर फॉर्म में कर लेंगे हम। ये मसाले हैं जो हम कोफ्तों में डालेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, यानी ऑल स्पाइसेस। देखिए मैंने ये चॉपराइज कर लिया है गोश्त को, बिल्कुल बारीक कीमा पीस लिया है। अब इसमें तमाम मसाले डालेंगे। ये खसखस चने और खोपरे को मैंने पाउडर बना लिया है, और हरी मिर्ची अदरक और प्याज को चॉपराइज करके स्ट्रेन करके इसका पानी निकाल दिया। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, वरना कोफ्ते टूटने के चांसेस होंगे। हरा धनिया को मैंने हाथ से ही बारीक कट कर लिया है। ये 5 अंडों को मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। जितने अंडे आपकी ज़रूरत है आप उतने अंडे बॉईल करें, लेकिन 2 बातें याद रखें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और हार्ड बॉईल होने चाहिए। अब कोफ्तों में हम मसाले मिलाते हैं। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला मिलाएंगे। ये खसखस चने और पिसा हुआ खोपरे का जो पाउडर बनाया था ये डाल देंगे। थोड़ा सा हम ग्रेवी के लिए बचा लेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये चॉप्ड हरी मिर्ची अदरक और प्याज भी डाल देंगे। हरा धनिया चॉपराइज नहीं करिएगा, वरना इसका पानी निकल जाता है। अभी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है। ये एक टिप है कि तमाम मसालों को कीमे में कम से कम 5 मिनट तक मिक्स करना है। देखिए मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। थोड़ा सा कीमा लेंगे और हाथ पे इस तरह फैलाएंगे। थोड़ी सी थिक लेयर होनी चाहिए कोटिंग की, वरना आप पतली लेयर लेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा कीमा, कोफ्ते फटने के चांसेस होते हैं। अब बीच में अंडा रखकर और इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, अंडे को कवर कर देंगे कीमे के साथ। बस एक मैं बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से एयर निकालते हुए हमें कोफ्ता बनाना है, हाथ से प्रेस करते हुए, ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। इस तरह देखें सारे कोफ्ते बना लिए। मैंने 5 एग्स लिए थे और बाकी 3 मैंने सिंपल कोफ्ते बनाए हैं। अब इसको हम इतनी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जितनी देर के लिए हम अपना मसाला तैयार करेंगे। इस तरह ही अच्छे सेट हो जाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है, कुछ गार्लिक क्लोव्स हैं और थोड़ी सी अदरक के पीसेस हैं। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए, और ये ग्रेवी के मसाले हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च लिएगा, 1 टीस्पून पेपरिका अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना पिसा धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी है। ये ग्रेवी के मसाले हैं। 1/2 कप दही लेंगे, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। कुछ साबुत गरम मसाले बघार के लिए हैं, जिसमें लौंग, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये मसाला जो हमने बचा के रखा था चने खसखस खोपरे का, आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने
आधा कप ऑयल को गरम कर लिया और ये जो फ्रिज में हमने सेट होने के लिए अपने कोफ्ते रख दिए थे इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अगर आप चाहें तो ये फ्राई ना करें, स्किप कर दें, लेकिन ये फ्राई करने से थोड़े से अच्छे से सेट हो जाएंगे, इनका मॉइस्चर लॉक हो जाएगा। बग़ैर फ्राई करे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप फ्राई करते हैं या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करना है, इसे हमें गलाना या पकाना नहीं है, वो शोरबे में ही पकेंगे, सिर्फ ये कलर आ जाएगा 1 से 2 मिनट बाद। जब ये अच्छा सा कलर आ जाए तो बस हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और कितने माशाल्लाह से ज़बरदस्त कोफ्ते हैं। बस बहुत एहतियात के साथ इनका काम करना है, इन्हें निकालना है। अब इसी ऑयल में हम तमाम साबुत गर्म मसाले डाल देंगे और अच्छी से खुशबू आने के बाद प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया था वो डाल देंगे और ये तमाम मसाले डाल देंगे जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1/2 कप दही जो हमने फेंट के रखा था स्लो फ्लेम करके वो डालकर मिक्स करके 1-2 मिनट तक पकाएंगे। 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसमें जो मसाला बचाया था चने खशखाश खोपरे का ये भी डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस अब हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। बहुत केयरफुली होकर कोफ्ते डालिएगा। हम इसमें कोई भी पानी नहीं डालेंगे, किस पानी का यूज़ नहीं करेंगे। मसाला जब तक भुनेगा तब तक हमारे कोफ्ते भी गल जाएंगे। इस तरह इसको हिला दें, स्पून ना चलाएं। देखें थोड़ी देर हो गई है पकते हुए, बस इस तरह हिलाते रहना है और इसको इसी तरह पकाते रहना है। हम इसे बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे जो कच्ची प्याज भुनेगी और कोफ्ते गलेंगे। उसके बाद जब कोफ्ते गल जाएंगे उसमें हम एंड में शोरबा डालेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बस 1/2 कवर करना है, फुल कवर नहीं करना। ये देखें बीच बीच में चेक करते रहना है, कोफ्ते बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं और मसाला भी भुन रहा है हमारा। इस तरह चेक कर लेना है, जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो हम चेक करेंगे कोफ्ते को कि कोफ्ते अच्छे से गल गए या नहीं। मैंने एक कोफ्ता निकाल के चेक कर लिया था, कोफ्ते अच्छे से गल गए, मसाला भी भुन गया, तो मैंने शोरबा डाल दिया। आप अपनी पसंद से शोरबा डालें। अब मैंने हरा धनिया को अच्छी तरह धोकर बारीक चॉप करके डाल दिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और फ्लेम ऑफ़ कर 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं फ्लेम ऑफ़ किए हुए और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं, जो बिल्कुल भी ना फटे हैं ना टूटे हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। और इसका नमक और मिर्च जो मैंने डाला था बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब थोड़ा सा अच्छा था, स्पाइसी सा था। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक और मिर्च डालिएगा। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है। अब मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी कि काट के किस तरह हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। और आप ये देखें कितने स्मूथ बने हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल क्रेक नहीं आया इनमें। अगर आपने स्टार्ट से एंड तक मेरे तमाम टिप्स सुने हैं और से, तो आप भी बहुत ही अच्छे इसी तरह के परफेक्ट कोफ्ते बना सकती हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखें कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, ये मैंने आपको कट करके दिखा दिए हैं। और ये जितने अच्छे शक्ल में हैं इतने ही टेस्टी ये खाने में भी हैं। मेरे पहले की कोफ्तों की वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी सबको बहुत पसंद आए थे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ये देखें एक और कोफ्ता मैंने कट करके दिखा दिया और माशाल्लाह से कितने स्मूथ और बग़ैर टूटे बग़ैर फटे हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। उम्मीद करती हूँ कि मैंने तमाम टिप्स और डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं जिनसे हम परफेक्ट तरीके से नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे पहले कोफ्ते जो मैंने बनाए थे उसको भी ज़रूर वॉच करिएगा, वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने बनाए थे और वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।